अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 7th, सब्जेक्ट ड्राइंग एंड आई एम योर ड्राइंग टीचर सीमा बीबी। नाउ लेट्स स्टार्ट डायग्राम नंबर 2 ऑफ योर मिड टर्म सिलेबस। स्टूडेंट्स टेक आउट योर साइंस बुक पेज नंबर 6। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक डायग्राम गिवन है। स्टूडेंट्स हम ये वाला डायग्राम आज ड्रॉ करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते। नाउ टेक आउट योर ड्राइंग कॉपीज एंड प्रिपेयर योर पेज विद मार्जिन लाइन, डेट लाइन एंड गिव द हेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक डायग्राम हम मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए फर्स्ट हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। सिक्स सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल सेंटर में ड्रॉ करें। देन हम इस सर्कल को सेंटर से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप वर्टिकल लाइन पे पॉइंट्स मार्क करेंगे। पॉइंट्स मार्क करने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि स्केल का 0 डाउनवर्ड हो। यहाँ पे हम 0.5 पे मार्क करेंगे, 3.5, 4, 8, 9, 10, 10.5। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी पॉइंट्स मार्क करेंगे, 6.5, 7.5 और 11। नाउ स्टूडेंट्स कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करें। और वर्टिकल लाइन के अपर पॉइंट पर रखकर लेफ्ट साइड पे एक आर्क ड्रॉ करें। देन 0.5 ओपन करें। और इसी सेम पॉइंट पे रखकर एक आर्क ड्रॉ करें। अब 3.5 कंपास ओपन करें। सेम पॉइंट पर रखकर राइट साइड पे एक आर्क ड्रॉ करें। अब स्टूडेंट्स कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करें और वर्टिकल लाइन के लोअर पॉइंट्स पे पॉइंट पे रखकर बोथ साइड्स आप लोग आर्क्स ड्रॉ करें। देन आप लोग 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करें और सेम पॉइंट पे रखकर बोथ साइड्स आप लोग आर्क्स ड्रॉ करें। अब 6.5 कंपास ओपन करें सेम पॉइंट पर रखकर आप लोग लेफ्ट साइड पे आर्क ड्रॉ करेंगे। अब 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करें और राइट साइड पे एक आर्क ड्रॉ करें। सो स्टूडेंट्स अब हम इस सर्कल में स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स की हेल्प से। स्टूडेंट्स स्टार्ट हम यहां से लेंगे। इन 2 पॉइंट को थ्रू कर्व लाइन ज्वाइन करेंगे।
देन पॉइंट एट 6.5 एंड 4 को पॉइंट फोर को 6.5 सी तरफ 0.5 को 10.5 के साथ ज्वाइन करेंगे यहां से 3.5 के साथ ज्वाइन करेंगे आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ थ्रू कर्व ज्वाइन करेंगे टेन को इलेवन के साथ थ्रू कर्व लाइन ज्वाइन करेंगे पॉइंट फाइव तक की कर्व लाइन आप लोग एक्सटेंड करें देन इन टू लाइन्स को ज्वाइन करें यहां पे स्टमक का वो पार्ट ड्रॉ करें जिसमें आप लोगों का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है स्टूडेंट्स अब हम यहां मस्कुलर वॉल ड्रॉ करेंगे यहां पे कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट सेवन पे भी और पॉइंट थ्री पे देन हम इसको ज्वाइन करेंगे यहां से भी टू पॉइंट्स को थ्रू कर्व लाइन ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स अब हम यहां मस्कुलर वॉल ड्रॉ करेंगे यहां पे कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट सेवन पे भी और पॉइंट थ्री पे देन हम इसको ज्वाइन करेंगे यहां से भी टू पॉइंट्स को थ्रू कर्व लाइन ज्वाइन करेंगे
यहाँ पर ब्लड वेसल्स ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब ये डायग्राम कंप्लीट है। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग के लिए बुक पेज नंबर 6 ओपन करें और यहां से आप लोगों ने इसकी लेबलिंग करनी है। स्टूडेंट्स, शेडिंग के लिए आप लोगों ने पेंसिल को अराउंड 30 डिग्री होल्ड करना है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब मैं इस सर्कल में शेडिंग करूंगी। इसके लिए फर्स्ट मैं पेंसिल को अराउंड 30 डिग्री होल्ड करूंगी, देन मैं इसमें शेडिंग स्टार्ट करूंगी। शेडिंग आप लोगों की एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और शेडिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शेडिंग आप लोगों के सर्कल से या बाउंड्री से बाहर ना जाए। स्टूडेंट्स, अब हम इस डायग्राम में शेडिंग करेंगे। स्टार्ट हम ब्लड वेसल से लेंगे। थोड़ा सा डार्क शेड करें, आउटलाइन भी करेंगे आप लोग। देन आप लोगों ने होल डायग्राम में लाइट शेड करना है, फर्स्ट एक ही डायरेक्शन में, और इन पार्ट्स में डार्क करना है। आप लोगों ने भी इसी तरह शेडिंग करनी है।
स्टूडेंट्स, ये डायग्राम अब कंप्लीट है। आप लोगों ने टू टाइम बनाना है, फर्स्ट टाइम मेजरमेंट के साथ बनाना है जबकि सेकंड टाइम मेजरमेंट के साथ बनाना है लेकिन मेजरमेंट शो नहीं करना। सेकंड टाइम में आप लोगों ने लेबलिंग करनी है और शेडिंग करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। वी विल डू नेक्स्ट डायग्राम इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।